लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कारण एक बार फिर से पंजाब पुलिस का सिरदर्द बढ़ चुका है। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कारण कई दफा पंजाब पुलिस को बदनाम होना पड़ा है। साथ ही साथ आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे आखिरकार जिस तरह से लोग कमेंट कर रहे हैं, बम्बिहा गैंग के लोग कितना भी ज्यादा कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन वो लोग लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सामने जीरो ही रहेगा। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, जय श्री महाकाल। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक ऐसे गैंगस्टर के बारे में जिसने एक बार फिर से पंजाब पुलिस के टेंशन को बढ़ा दिया है। साथ ही साथ एक ऐसा गैंगस्टर जिसने चार चार बार पुलिस वालों को धोखा दिया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को आप पूरा देखना और आज का जो ये वीडियो है बिल्कुल हर एक वीडियो से अलग होने वाला है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे गैंगस्टर दीपक टीनू के बारे में। गैंगस्टर दीपक टीनू के बारे में बताया जाता है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से काफी समय से जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ बताया जाता है जब 29 मई 2022 को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को मारा गया था तो उसमें लॉरेंस बिश्नोई का सहयोग करने वाला कोई और नहीं बल्कि दीपक टीनू भी था, लेकिन दीपक टीनू का चर्चा अब तक नहीं हुआ। दोस्तों, सबसे पहले आपको हम दीपक टीनू के बारे में बता देते हैं। बताया जाता है गैंगस्टर दीपक टीनू जो कि हरियाणा का रहने वाला है, जिसके ऊपर बताया जाता है तकरीबन 34 से भी अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। और बताया जाता है गैंगस्टर दीपक टीनू जो कि हथियारों का काफी शौकीन था, यानी कि नया नया हथियार लेना, साथ ही साथ उस हथियार का उपयोग करना। बताया जाता है गैंगस्टर दीपक टीनू जो कि किसी को भी मारने से पहले घबराता नहीं था, चाहे कहीं भी कोई भी किसी का भी कत्ल करना हो दीपक टीनू जो कि कर ही देता था। बताया जाता है गैंगस्टर दीपक टीनू का अंदाज बिल्कुल सभी गैंगस्टरों से अलग था। अब इसका अंदाज क्या था? बताया जाता है गैंगस्टर दीपक टीनू जब भी किसी को मारता तो मारने के बाद उसका वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेता, और वीडियो रिकॉर्डिंग करने के बाद बताया जाता है ये जब भी कोई अगली वारदात को अंजाम देता तो उस वारदात को अंजाम देने से पहले जिस किसी को भी मारना होता तो ये अपना पिछला वीडियो उस आदमी को दिखा देता था। तो वो आदमी जब इसका वीडियो देखता था तो उसको भी डर हो जाता था, वो भी सोचता था कि भाई ये कितना खतरनाक आदमी है, किसी को भी मारता है, उसका वीडियो बनाता है, और वीडियो बनाने के बाद ये लोगों को डराता भी है। दोस्तों, गैंगस्टर दीपक टीनू के बारे में बताया जाता है पहली बार वो साल 2017 में जेल गया, लेकिन जेल जाने से पहले बताया जाता है उसने कई दफा पुलिस वालों की आंखों में धूल झोंका। और बताया जाता है गैंगस्टर दीपक टीनू जिसने सबसे बड़ी वारदात को अंजाम दिया था नई दिल्ली में। बताया जाता है गैंगस्टर दीपक टीनू जब नई दिल्ली गया था तो नई दिल्ली जाने के बाद वहां उसने ताबड़तोड़ फायरिंग करा था, और उस वक्त पुलिस वालों की आंखों से वो बच निकला था। लेकिन बताया जाता है फाइनली साल 2017 में वो अरेस्ट हो गया, और अरेस्ट होने के बाद जब वो जेल गया तो जेल जाने के बावजूद भी वो खुद को अपराध करने से नहीं रोक पाया। बताया जाता है साल 2017 में जब गैंगस्टर दीपक टीनू को अंबाला सेंट्रल जेल में शिफ्ट करा गया था तो बात है 17 जून 2017 की, जब गैंगस्टर दीपक टीनू को पंचकुला लाया गया था मेडिकल चेकअप के लिए। तो मेडिकल चेकअप के लिए जब ये पंचकुला आया तो बताया जाता है वहां पर पहले से ही लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड संपत नेहरा जो कि मौजूद था। दोस्तों, आपको बता दें गैंगस्टर संपत नेहरा वही है जिसने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को मारने के लिए कई दफा प्लानिंग करा था। हालांकि संपत नेहरा जो कि सलमान खान को नहीं मार पाया था, बाद में अरेस्ट भी हो गया। तो आज के समय में संपत नेहरा जो कि जेल में बंद है, लेकिन इससे पहले का मैं आपको कहानी सुना देना चाहता हूँ। तो बताया जाता है गैंगस्टर संपत नेहरा अपने दोस्तों के साथ वहां मौजूद था, और संपत नेहरा उस दिन यही प्लान करा था किसी भी तरह से गैंगस्टर दीपक टीनू को यहां से भगाना है। तो बताया जाता है पुलिस हिरासत से भगाने के लिए उन लोगों ने अपने पास मिर्च पाउडर पहले से ही रखा हुआ था। तो मिर्च पाउडर लेकर के बताया जाता है वहां पर जो कोई भी सिपाही था उन लोगों के आंखों में मिर्च पाउडर छिड़का जाता है, और उसके बाद वहां से गैंगस्टर दीपक टीनू को लेकर संपत नेहरा अपने साथियों के साथ फरार हो जाता है। तो 17 जून 2017 को गैंगस्टर दीपक टीनू जो कि पुलिस वालों को धोखा देता है, लेकिन आपको बता दें साल 2017 में ही पुनः गैंगस्टर दीपक टीनू को बेंगलुरु से अरेस्ट करा जाता है। तो बेंगलुरु से अरेस्ट होने के बाद गैंगस्टर दीपक टीनू जो कि पुलिस की हिरासत में ही था, तो 5 साल से पुलिस की हिरासत में रहने के बावजूद भी गैंगस्टर दीपक टीनू जो कि सुधरना नहीं चाहता है। बताया जाता है 27 मई 2022 की बात है जब गैंगस्टर दीपक टीनू ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से फोन कॉल के जरिए बात करा था, और बताया जाता है 29 मई 2022 को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को मार दिया गया था। तो सवाल है कि 27 मई 2022 को गैंगस्टर दीपक टीनू ने लॉरेंस बिश्नोई से क्यों बात करा था? आखिरकार सिद्धू मूसेवाला के कत्ल का ही तो मामला होगा ना। तो पंजाब पुलिस जो कि इस बीच पूछना चाहती थी गैंगस्टर दीपक टीनू से कि आखिरकार सिद्धू मूसेवाला के कत्लकांड में उसने क्या क्या साजिश करा था, लेकिन बताया जाता है मनसा पुलिस जैसे ही गैंगस्टर दीपक टीनू को बताया जाता है कपूरथला सेंट्रल जेल से रिमांड पर लेकर आ रही थी, उसी वक्त बताया जाता है गैंगस्टर दीपक टीनू
जो कि पंजाब पुलिस को चकमा देकर वहां से फरार हो जाता है। दोस्तों आपको बता दें, गैंगस्टर दीपक टीनू जिसने कई दफा पुलिस वालों को धोखा दिया, साथ ही साथ बताया जाता है नया नया हथियार रखना, लोगों को टपकाना और लोगों से रंगदारी वसूलना, यही सब उसका धंधा था। तो अब पुलिस वाले जो कि काफी टेंशन में है, टेंशन इस बात का है कि भाई ये गैंगस्टर दीपक टीनू जो कि इस तरह से कैसे चकमा देकर भाग सकता है। तो लोग पंजाब पुलिस के ऊपर सवाल भी उठा रहे हैं, देखते हैं आखिरकार गैंगस्टर दीपक टीनू जो कि कितना जल्दी पुलिस की हिरासत में आता है। तो फिलहाल अब आगे चर्चा करते हैं बम्बिहा गैंग के लोगों के बारे में। दोस्तों आपको बता दें, बम्बिहा गैंग के लोग जो कि काफी समय से इंतजार कर रहे हैं कब लॉरेंस बिश्नोई को या फिर लॉरेंस बिश्नोई का गुरु बताए जाने वाला गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया को हम लोग टपका सकेंगे। लेकिन बम्बिहा गैंग के लोग जो कि बार बार प्रयास तो करते हैं लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, और चारों तरफ के लोग जो हैं वो लोग अलग अलग तरह का कमेंट कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का यही कहना है बम्बिहा गैंग के लोग जो कि केवल बोलते हैं, वो लोग कुछ करते तो है नहीं, और बार बार ये लोग लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया साथ ही साथ गोल्डी बरार को टपकाने का बात करता है। लेकिन गोल्डी बरार जो कि आज के समय में भारत में तो है नहीं, और जहां तक बात करा जाए लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया का, तो ये लोग जब भी कोर्ट में पेशी के दौरान बाहर निकलते हैं तो इन लोगों के चारों ओर पुलिस वाले होते हैं। तो बम्बिहा गैंग के लोगों के लिए इसको टपकाना जो कि बेहद मुश्किल है और शायद असंभव भी है। और देखो ऐसा नहीं है, मैं चाहता हूं कि कहीं भी किसी भी तरह का कुछ हो, लेकिन पिछले कुछ समय से बम्बिहा गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कारण मानो कि एक तरह से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, ये जितना भी बड़ा बड़ा राज्य है, इन राज्यों में गैंगवार की आशंका व्यक्त करी जा रही थी। लेकिन फिलहाल पुलिस वाले जो कि एक एक करके सभी लोगों को पकड़ तो रहे हैं, तो दूसरे तरफ लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग जो कि पुलिस वालों को धोखा भी दे रहे हैं। और इसी बीच मैंने आप सबों को बताया था बम्बिहा गैंग का एक शूटर था जिसका नाम था गैंगस्टर नीरज चस्का, जिसे कि पंजाब पुलिस ने अरेस्ट करा था। तो इस तरह से एक एक करके जितना भी गैंगस्टर है उन लोगों को अरेस्ट भी कर रहे हैं, तो दूसरे तरफ पंजाब पुलिस को बहुत सारे गैंगस्टर चकमा भी दे रहे हैं। अब देखते हैं जिन गैंगस्टरों ने चकमा दिया है उन गैंगस्टरों को कितना जल्दी अरेस्ट करते हैं और कितना जल्दी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दबदबा को ये लोग खत्म करते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में अपनी राय अवश्य लिखना, अपराध और अपराधियों से हमेशा दूरी बनाकर रखना, और पर्सनली मैं किसी भी गैंगस्टर का सपोर्ट नहीं करता हूँ, ये बात ध्यान रखना। मिलता हूँ अगले नए वीडियो में। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, जय श्री महाकाल दोस्तों।